अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नायला कश्यप। चलते हैं आज की वीडियो की तरह। आज की वीडियो बहुत ही आसान होममेड केक रेसिपी है, आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। यहाँ पे हमने 3 अंडे लिए हैं, उसे हमें अच्छी तरह से बीट करने हैं। 5-6 मिनट हमें इसको अच्छी तरह से बीट करना है। आपको इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बीट करना है, 5 से 6-7 मिनट आपको इसको बीट ही करना है। अब आपको इसमें चीनी ऐड करके बहुत ही अच्छी तरीके से बीट करना है 2 से 3 मिनट तक। जैसे कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बीट हो गया है तो इसमें अब हम ऐड करेंगे ऑयल। इसमें ऑयल ऐड करना है, कप का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो ऐड करना है। अब यहाँ पे हमने लिया है मैदा 1 कप, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, उसको दोनों को अच्छी तरह से हमें छान लेना है। जो इसमें जो अब छान के हमें यहाँ ऐड करना है और हल्का इसको जो है हमें बीट करना है कि ये सारा बीट हो जाए आपस में। उसके बाद देखो हमारी पेस्ट तैयार है। ले अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो पेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा घाटी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड में है। इसमें हम अब मिल्क ऐड करेंगे, 3 स्पून आप मिल्क ऐड कर लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको ये बहुत ही पतला और सॉफ्ट लुक में नज़र आएगा। बस इतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। बस 2 से 3 स्पून आप इसमें मिल्क ऐड करें तो आपको ये जो है बहुत ही सॉफ्ट लुक देगा। यहाँ पतीला हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें हमने नमक ऐड कर दिया है। जब हमने आधे घंटे के बाद देखा तो केक हमारा तकरीबन रेडी हो गया था, लेकिन 5 मिनट में उसको और ज़्यादा दे दिए थे। तो उसके बाद जब मैंने चेक किया तो केक हमारा तैयार था। उसके बाद हमने केक को नीचे उतार दिया था और उस पर हमने एक तवे का गरम सेक दिया था, तवे को ज़्यादा गरम किया था और उसके ऊपर एक तवा दिया हुआ था। तो उससे हमारा जो ऊपर वाला लेयर है वो वाइट कलर था, उसको हमने थोड़ा डार्क मोड में लगा दिया था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।